पालक पनीर, गाजर का हलवा और चावल तैयार हो गया है। खाना रेडी है। दाल फ्राई करनी है और सिर्फ रोटी बनानी है। टाइम हो गया है, डेढ़ डेढ़ बज गया है। तो जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो बस आने वाले हैं। फिर आपसे आप लोगों से मैं मिलवाती हूँ। आपको भी भेजा। आर्मी स्टाफ जो अवार्ड है वो भी मतलब बीएसएम के जस्ट नीचे वाले ही अवार्ड है। हाँ, तो अपने को 15 जनवरी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आर्मी डे कहते हैं, आज आर्मी डे है एक्चुअली। तो आज मिला है। हाँ, तो आज रात 12 बजे वो लिस्ट निकालता है, तो आज दिया। और इंडिपेंडेंस डे जो रहता है 15 अगस्त, उस पर गैलेंट्री अवार्ड देते हैं। गैलेंट्री अवार्ड मतलब सेना मेडल, गैलेंट्री, वीर चक्र, वो विशिष्ट सेवाएं रहती हैं। जैसे ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, विशिष्ट सेवा मेडल, वो सब देता है। आर्मी परेड 26 जनवरी के, और बस ये 2 टाइम ही मिलता है मतलब। और वो किस लिए मिलता है? आपकी ये उत्कृष्ट सेवाएं जो आपने प्रदान की है सर्विस में रहते हुए, और वो भी आपका जो आईओ है मतलब जो बॉस है, वो बॉस आपके बारे में मतलब रिकमेंड करता है, रिकमेंड करता है। वो बहुत सारों के जाते हैं मतलब, यानी कि ऑल ओवर इंडियन आर्मी ना, पूरा आर्मी हेडक्वार्टर में टॉप में स्क्रीनिंग कमेटी रहती है। तो स्क्रीनिंग कमेटी फिर स्क्रीनिंग करती है, मतलब जैसे कहो तो 100 लोग का गया तो 10 को मिलेगा ऐसा। आपने अभी देखा, ये मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, आर्मी में हैं, और इनको अभी बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। तो बस हम लोग उसी के लिए, वो बुके दे रहे थे उसी अवार्ड के लिए। और बस हम, मेरी रोटी बन रही है अब, बस खाना लगा रही हूँ। और लंच का टाइम भी हो गया, 2 बजे है। ये जबलपुर में ही आर्मी में कर्नल की पोस्ट पे हैं। सितंबर 2020 में इनका रिटायरमेंट हुई है। ये मैं, इनकी फैमिली पुणे में ही रहती है। चीफ ऑफ आर्मी अवार्ड मिला है। लेकर आए, आज मकर संक्रांति है तो लड्डू आ गए घर पर, मैंने नहीं बनाया था। चलो इसी बहाने, ये कौन सा है, अदरक, अदरक के लड्डू है। और ये देखिए, ये अदरक का लड्डू है। मैंने घर पे लड्डू नहीं बनाए थे, और मकर संक्रांति के दिन ही लड्डू आ गए। इन लोग का लंच हो गया, बस मेरा और बेटी का लंच बाकी है। बेटी स्कूल से आ गई है, बस हम दोनों अब लंच करेंगे। ये मेरे जेठ जी हैं, बट जेठ जी कम बड़े भाई हैं, बड़े भाई से भी बढ़कर हैं। मैं इनको राखी भी बांधती हूँ। तो ये यहीं जबलपुर में ही रहते हैं और आर्मी में हैं। वो फोर्स के स्पेशलिस्ट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। इनको बहुत अवार्ड मिले हैं आर्मी में, मतलब सर्विस में रहते हुए ऐसा अवार्ड नहीं मिलता है। तो इनको वो अवार्ड भी मिला है। आज बहुत अच्छा लगा सच में भैया घर आए तो। काफ़ी दिन बाद आए हैं क्योंकि बिजी रहते, और पुणे, अपने घर पुणे भी जाते रहते बीच बीच में, इसलिए घर आना उनका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ने खाने की तो बहुत बड़ाई की, पालक पनीर, गाजर का हलवा उनको बहुत पसंद आया। आप लोग भी बनाइएगा रेसिपी जैसे मैंने बताया है, सच में आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक तो कर दिया करो, अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है। तो आप लोग लाइक करिएगा ज़रूर से वीडियो को,
और मैं अब वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ, ब्लॉग यहीं फिनिश करती हूँ और मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। ओके, बाय बाय।